हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अवधेश सिंह है और मैं आपका अवधेश एकेडमी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जो बहुत सारे बुज़ुर्ग लोग होते हैं वो हमेशा कहते हैं भाई ये ना करो, ये ना करो, ये ना करो, ये ना करो। और जब आप कहते हैं नहीं साहब आप करना चाहते हैं तो कहते हैं भाई हमने ज़िंदगी देखी है, हमने ज़िंदगी से बहुत कुछ सीखा है, मैं तुम्हारे भले में कह रहा हूँ कि ये सब तुमको नहीं करना चाहिए। वो कहते हैं भाई तुमने किताबों में पढ़ा है, हमने ज़िंदगी को पढ़ा है और ज़िंदगी से मैंने सीखा है। तो क्या हमें ज़िंदगी से सीखना चाहिए और ज़िंदगी से हमें क्या सीखना चाहिए, आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे। तो इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक व्यक्ति जो है वो चला जा रहा था और उसने देखा कि बहुत ही बड़ा हाथी उसको एक बहुत ही पतले से रस्से से बांधा हुआ है। वो रस्सा उसके पैर पे बंधा हुआ था। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा भाई हाथी इतना पावरफुल है, इतना बड़ा है, ये तो जब चाहे वो रस्से को तोड़ के भाग सकता है, ये भाग क्यों नहीं रहा है। वो मालिक के पास गया और उससे पूछा कि भाई ये हाथी तो पेड़ गिरा सकता है, ये रस्सा क्यों नहीं तोड़ रहा है। उसने कहा कि जब ये हाथी छोटा था तब हमने इसको रस्से से बांधना शुरू किया, तो इसने बड़ी कोशिश की कि इस रस्से को तोड़ दे, बहुत बार कोशिश की लेकिन ये रस्से को तोड़ नहीं पाया। अब ये धीरे धीरे इसके दिमाग में बात बैठ गई कि ये किसी भी कीमत पर रस्से को नहीं तोड़ सकता है। और इसकी वजह से जब ये बड़ा भी हो गया तो ये रस्से को तोड़ने की कोशिश ही नहीं करता और इस वजह से वो हमेशा बना रहता है। हम सब दोस्तों ज़िंदगी में ऐसे ही होते हैं। हमने ज़िंदगी में कभी कुछ लेसन सीखा, मान लिया कि आप का एक किसी व्यक्ति ने आपको धोखा दे दिया। अब आपने कहा कि भाई आज की दुनिया में लोग दगाबाज हैं, उन पे हम विश्वास ही नहीं कर सकते। आपने कोई डिसीजन लिया, शेयर मार्केट में पैसा लगाया, कोई ज़मीन खरीदी, जायदाद खरीदी, फिक्स डिपॉजिट किया और आपको फ़ायदा नहीं हुआ या दूसरे आदमी को ज़्यादा फ़ायदा हो गया। अब आपको लगा कि साहब आपका डिसीजन गलत हो गया। अब आपने जो डिसीजन लिया आप कहेंगे साहब अब मेरे को ज़मीन में पैसे नहीं लगाने हैं, अब मुझे बैंक में पैसा नहीं रखना। जो भी आपने डिसीजन लिया आपने कहा मुझे ये नहीं करना है। किसी पर्टिकुलर प्रोफेशन के किसी व्यक्ति के साथ आपका इनकाउंटर हुआ, बड़ा निगेटिव इनकाउंटर रहा, आपने कह दिया साहब ये पुलिस वाले तो सारे चोर हैं, कस्टम वाले तो सारे चोर हैं, नेता तो सारे चोर हैं। तो ज़िंदगी में हमारे जो एक्सपीरियंसेस होते हैं दोस्तों उससे एक लेसन सीखते हैं और उस लेसन को हम बांध के रख लेते हैं। हम सोचते हैं ये लेसन ज़िंदगी का सही है लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि जो चीज़ आपके साथ नहीं क्लिक करी किसी दूसरे के साथ क्लिक करती है। अब जैसे मान लिया आपने शेयर मार्केट में पैसा कमाया, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने शेयर मार्केट में पैसा कमाया भी। आपने ज़मीन में पैसा कमाया, बहुत लोग हैं ज़मीन में पैसा कमाया भी। आपने लोगों पे विश्वास करना छोड़ दिया क्योंकि एक व्यक्ति ने आपका दिल तोड़ दिया या आपने धोखा दे दिया, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत विश्वास के काबिल हैं। आप एक निगेटिव डिसीजन, एक निगेटिव इंसिडेंट को लेकर के आप कितनी सारी पॉजिटिव चीज़ों को चले जाते हैं। तो ये ज़िंदगी में हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि ज़िंदगी में हर सिचुएशन अलग होती है, हम हर पल बदल रहे हैं। उसी तरीके से इस दुनिया का हर व्यक्ति हर पल बदल रहा है, इस सोसाइटीज़ की वैल्यू हर पल बदल रही है, ये दुनिया बदल रही है। इसलिए जो आपके पिताजी ने किया और जो सही निकला या आपके किसी दोस्त ने किया और उसके लिए सही निकला, वो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए सही निकले। उसी तरीके से अगर कोई चीज़ उनके साथ गलत हुई तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो आपके साथ गलत हो। तो ज़िंदगी में हमें ये ध्यान रखना है कि हमें ज़िंदगी से कोई भी ऐसा लेसन नहीं सीखना चाहिए एक्सपीरियंस से जिसको कि हम कहें कि नहीं यही सत्य है। और इसीलिए जो बड़े बुज़ुर्ग लोग होते हैं अक्सर आपको सब काम करने से मना कर देते हैं अक्सर, क्योंकि वो हर एक चीज़ जो है कहीं ना कहीं उनको एक बेटर एक्सपीरियंस हुआ है और आपको हमेशा सेफ प्ले करने को कहते हैं। और जब आप काम ही करना बंद कर देंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, तो आप डेफिनेटली सेफ हैं। लेकिन ये जीना भी कोई जीना है, आपकी ग्रोथ रुक जाती है, आपका डेवलपमेंट रुक जाता है, आप सफलता को नहीं पा पाते हैं। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप ज़िंदगी से कोई भी ऐसा लेसन ना सीखें कि जिसको कि आपने अपने दिमाग में बैठा लिया कि ये सही है, क्योंकि जो सही है उसका उल्टा भी सही है। ज़िंदगी में हमेशा एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत है, ज़िंदगी को हमेशा समझते रहने की ज़रूरत है, हर व्यक्ति को समझने की ज़रूरत है, स्वयं को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि हर चीज़ बदल रही है। और जब आप सही व्यक्ति के साथ सही समय पे सही डिसीज़न लेंगे तब आप सफलता की तरफ अग्रसर होंगे। तो
ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। जिंदगी को सीखते रहें, जिंदगी में एक मिस्ट्री है, इसको डिस्कवर करते रहें और जिंदगी को जीते रहें। मेरा वीडियो देखने के लिए अवधेश एकेडमी पर बहुत बहुत आपका स्वागत है। अगर आपको मेरा लेसन पसंद आया हो तो आप अपना विचार व्यक्त करें। थैंक यू वेरी मच।